नमस्कार फ्रेंड्स, बरसात का मौसम शुरू होते ही कीड़े मकोड़े बिलों से निकलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मच्छर मक्खियाँ, इनका आतंक भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है। मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बहुत ही गंभीर बीमारियाँ हमें हो सकती है। इसके अलावा अगर इन बीमारियों का समय रहते इलाज नहीं होता है तो ये बीमारियाँ जानलेवा भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और 100% कारगर ऐसी होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। इस होम रेमेडी के इस्तेमाल से आपके घर में जितने भी मच्छर है उसका सफाया करने में ये होम रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी के किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर नहीं होते हैं। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक मिट्टी के दिए की ज़रूरत होगी। इस तरह का दिया हर घर में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अगर नहीं है तो आप किसी प्रकार का दिया यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके घर में छोटी सी स्टील की कटोरी होगी उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमें इसमें ज़रूरत होगी लहसुन की कलियों की। तो 4 लहसुन की कलियों को मैंने यहाँ पर लिया है। इसे इस तरह से खलबत्ते में आपको बारीक कर लेना है। आप चाहो तो इसे जो है आप मिक्सर जार में भी इसे ग्राइंड कर इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में है इसलिए मैं इसे इस तरह से खलबत्ते में बारीक कर लूँगी। ये जो लहसुन है फ्रेंड्स, इसका सेंट मच्छरों को मक्खियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मच्छर मक्खियों को भगाने के लिए लहसुन जो है बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी यहाँ पर कॉटन की। तो इस तरह से आपको कॉटन ले लेना है और इसे इस तरह से आपको फैला लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे हम घर में जब दीपक में जोत जलाते हैं तो इस तरह से इसे आपको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में कॉटन यहाँ पर लेना है, क्योंकि बड़ी हमें इसमें जोत बनानी है। तो इसमें अब हमें ये जो लहसुन हमने बारीक पीस लिया है इसे डालना है। इस नुस्खे को जिस तरह से मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ सेम इसी तरह से आपको इसे बनाना है। अब हमें इसे इस तरह से पैक कर लेना है, जिस तरह से हम दीपक में जोत बनाते हैं ना फ्रेंड्स, बस वैसे ही इसकी जोत बनानी है। लेकिन ये थोड़ी मोटी बनती है क्योंकि हमने इसमें लहसुन की जो कलियां है उसे बारीक पीसकर इसमें डाला है, तो ये थोड़ी मोटी बनती है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती है। आप इसे ज़रूर यूज़ करके देखिए। तो यहाँ पर मैंने इस जोत को बना लिया है। अब इसे मैं इस दिए में रख दूँगी। अब जो इसमें हमें नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट डालना है फ्रेंड्स, वो है कपूर। तो यहाँ पर मैंने 4 कपूर की टैबलेट्स ली है जो हम घर में पूजा पाठ में यूज़ करते हैं। ये वही कपूर की टैबलेट्स है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 कपूर की टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। कपूर जो है फ्रेंड्स, मच्छर मक्खियों को भगाने में बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। बैक्टीरिया को घर में ये बिल्कुल भी पनपने नहीं देता है। स्पेशली पूजा पाठ में कपूर का ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कपूर जो है ये वातावरण को शुद्ध रखता है। पुराने ज़माने में इसी तरह से कपूर के इस्तेमाल से ही मच्छर मक्खियों को भगाया जाता था। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का ऑयल। किसी भी ब्रांड का आप सरसों का ऑयल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको सरसों के ऑयल का ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है। हम सभी जानते हैं सरसों के ऑयल की सेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसकी सेंट जो है मच्छर मक्खियों को भगाने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसकी जो सेंट है वो मच्छर मक्खियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से इस जोत को मैं इस ऑयल में डिप करूँगी ताकि ये जो सरसों का ऑयल है इस जोत में अच्छी तरह से लग जाए। पुराने ज़माने में मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड या मॉस्किटो कॉइल्स नहीं हुआ करते थे, तो इसी तरह से जो है पुराने ज़माने में लोग देसी नुस्खों के इस्तेमाल से घर में जो मच्छर मक्खियाँ है उन्हें भगाया करते थे। और ये बहुत ही बढ़िया नुस्खे होते हैं फ्रेंड्स, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हमारे स्वास्थ्य पर नहीं होते हैं। तो ये जो है इस दीपक को अब हमें जलाना है, और इसे जलाकर आपके घर में जहाँ पर भी आपको लगता है कि मच्छर ज़्यादा है उस जगह पर आपको इसे रख देना है। किसी भी कोने में आप इसे रूम में रख सकते हैं। इसकी जो खुशबू है फ्रेंड्स, ये पूरे घर में फैलने लगती है और घर में जो भी मच्छर मक्खियाँ हैं उसे भगाने में ये जो नुस्खा है फ्रेंड्स बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है। इसके अलावा जो केमिकल बेस्ड मॉस्किटो रिपेलेंट रिफिल होते हैं उसके कई सारे हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्परिणाम होते हैं, लेकिन ये देसी नुस्खा है, इसके कोई भी स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम नहीं होते हैं। और मच्छर मक्खियों को भगाने के लिए ये जो नुस्खा है फ्रेंड्स ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। जब ये दिया जलता है तो धीरे धीरे इसमें से ऑयल ख़त्म होने लगता है, तो आपको फिर से इसमें सरसों का ऑयल डालना है और इस दिए को फिर से आपको जलाकर इसका यूज़ करना है। बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हमारे स्वास्थ्य पर नहीं होते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इस नुस्खे को आप ज़रूर ट्राई करके देखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए जो केमिकल बेस्ड मॉस्किटो रिपेलेंट रिफिल होते हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। आप इस देसी नुस्खे को ज़रूर ट्राई करके देखें और आप लोगों का एक्सपीरियंस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।